नागरिक आप ये देख सकते हैं कि ये जो दो छोटे छोटे कमीने से कुत्ते से बच्चे हैं, ये आरजू मदीना वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर में इस वक्त बैठे हैं। ये ऐसे ही वक्त गुजार रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, क्या किया क्या नहीं किया। तो हर जब ये जो दोनों बच्चे हैं ना, ये बड़े शरारती बच्चे हैं और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। शरारती के होने के साथ साथ बहुत प्यार है, क्यूट, बहुत ही अच्छे हैं, नाइस मैन है। तो आप दुआ करें कि ये बड़े होकर ये भी अच्छे अच्छे काम करें और ये भी गरीबों के लिए वेलफेयर का काम करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए जो काम है ये करें। अभी तो बरकत ये आरजू मदीना वेलफेयर सोसाइटी चक्कर नंबर 108 गाबे साईदी कुई में मेरे साथ आए हुए हैं और ये इस वक्त रिकॉर्ड चेक करने में मसरूफ हैं। ये जो शबीर शाकर साहब हैं, इन्होंने आज तक क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या करने वाले हैं। माशाल्लाह आरजू मदीना वेलफेयर सोसाइटी जो है ये पूरे तहसील भर में अगर मैं कहूँ कि ये एक नंबर पर जा रही है काम के हवाले से, तो ये भेजा ना होगा। आरजू मदीना वेलफेयर सोसाइटी के तकरीबन 1000 मेम्बरान हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में काम करें। ना सिर्फ ये 108 गाबे साईदी कुई में काम करें बल्कि ये दीगर कई जो गाँव हैं करीब वाले उनमें भी ये इनका वर्क बहुत ज़बरदस्त से जा रहा है। और अगर मैं तहसील वेलफेयर ऑफिसर नासर चद्दर के हवाले से बात करूं तो नासर चद्दर तहसील वेलफेयर ऑफिसर साहब का जो जड़ावाला के थे, उन्होंने शबीर अहमद शाकर को जड़ावाला का अब्दस्तार ईदी का भी खिताब दिया। और अभी जो नफर इकबाल भट्टू साहब हैं तहसील ऑफिसर तहसील वेलफेयर ऑफिसर, तो उन्होंने भी जो शबीर शाकर है इसको जड़ावाला का अब्दस्तार ईदी का खिताब दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि इनके काम को सराहा जाना बहुत अच्छी बात है। इस वक्त मैं चूँकि ऑफिस में था, शबीर शाकर भी आ गए हैं। तो शबीर शाकर, मैं इस बंदे को सलूट पेश करता हूँ कि ये वाकई इलाका भर में बहुत बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं बाकायदा तौर पर आपको सलूट पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, आपको भी चाहिए कि शबीर शाकर जो बहुत अच्छा काम करें, इनके साथ माली तावन करें ताकि ये बेहतर अंदाज से गरीबों की हेल्प कर सकें, गरीबों की मदद कर सकें, ये बेहतर अंदाज से वेलफेयर का काम कर सकें। मैं जाते जाते, वैसे ये वीडियो मैंने मजाकन शुरू की थी लेकिन एक बेहतरीन पैगाम बन गया, तो मैं जाते जाते ये कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बरवक्त पहुँचती रहे और जड़ावाला की मालूमाती और जो दीगर वीडियोज़ हैं उनसे आप महसूस होते रहे। तो अब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपने भाई मोहम्मद एहसानुल्लाह काजिज़ कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।